नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद यूपी में खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को हटाए जाने की खबर सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो केंद्र में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद यूपी में खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को हटाया जाएगा, जिसमें करीब 12 से ज्यादा प्रदेश के मंत्रियों का प्रदर्शन निकाय चुनावों में खराब रहा है। निकाय चुनाव में हार, बीजेपी खेमे में रार। मंत्रियों के खराब प्रदर्शन पर मंथन, 12 मंत्रियों की सीटों पर बीजेपी की हार, और जीते प्रत्याशियों की हो सकती है वापसी सूत्र। निकाय चुनाव में मंत्री एसपी सिंह बघेल के संसदीय क्षेत्र आगरा के जलेसर में बीजेपी की हार हुई, तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री सांसद कौशल किशोर अपने लोकसभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अंतर्गत अपनी 7 प्रमुख नगर पंचायत सीट हार गए, जिसमें नगर पंचायत मोहनलालगंज, अमेठी, बंथरा, नगराम, बक्सी का तालाब, मुहाना और मलिहाबाद सीट शामिल है, जबकि यह उनका गृह क्षेत्र है और उनकी पत्नी जय देवी कौशल मलिहाबाद सीट से विधायिका भी है और उनके रिश्तेदार अमरेश रावत मोहनलालगंज विधानसभा से वर्तमान में विधायक भी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि बीजेपी के इन जिलों में हार का मुख्य कारण क्या हो सकता है, मतदान करने वाली देवतुल्य जनता से दूरी या फिर विकास के काम से दूरी। लेकिन इन सब के बीच आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है, तो ऐसे में बीजेपी की ये हार थोड़ी सी मुश्किलें ला सकती है, जिसको लेकर बीजेपी को घोर मंथन की जरूरत है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड की परीक्षा शुरू, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का औचक निरीक्षण। चेयरमैन के निरीक्षण से मदरसों में हड़कंप, नकल विहीन परीक्षा के लिए पहुंचे चेयरमैन। बोर्ड के चेयरमैन कर रहे मदरसों का दौरा और पुराने लखनऊ के इरम निस्वा स्कूल पहुंचे हैं चेयरमैन। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर नकल विहीन परीक्षा के लिए चेयरमैन पहुंचे और बोर्ड के चेयरमैन यहां पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है, जिसको लेकर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन औचक निरीक्षण पर पहुंचे हैं, जिसको लेकर मदरसों में हड़कंप भी देखा गया। नकल विहीन परीक्षा के लिए चेयरमैन पहुंचे हैं और नजर यहां पर रखी जा रही है। तो बड़ी खबर लखनऊ से, यूपी मदरसा बोर्ड
परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और चेयरमैन जो है निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं, जिसको लेकर हड़कंप यहां पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं जारी हैं और लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन निरीक्षण करने पहुंचे हैं। औचक निरीक्षण से मदरसों में हड़कंप भी मच गया। मैं पहले अपना नाम बता दूं। मेरा नाम तनवीर फातिमा, केंद्रीय व्यवस्थापक हूं मैं, और यहां पर मदरसा बोर्ड मुंशी मौलवी का पेपर कराया जा रहा है और जो कि कैमरे की निगरानी में हो रहा है, सफलतापूर्वक परीक्षा कराई जा रही है, ठीक है। और गेट पे हम लोगों ने एंट्री कर ली थी, एडमिट कार्ड से मिलान कर लिया था बच्चों का और मोबाइल्स वगैरह जमा कर लिए हैं। बहुत सफलतापूर्वक आयोजन हो रहा है और सफाई वगैरह का भी हम लोगों ने ध्यान रखा है, हर चीज़ पूर्ण व्यवस्था में है। और स्कूलों को देखते हुए यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सुविधाओं का वो किया है और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने सुधार की हैं। सही है, हिजाब पहन के जो लड़की आई थी उनके लेडीज टीचर ने उनकी चेकिंग करी है एडमिट कार्ड के हिसाब से। कोई अभी तक मामला सामने तो नहीं आया? नहीं, ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, सब सफलतापूर्वक किया। कभी तक खत्म होगा, कभी शुरू होगा सर? 7-8 बजे शुरू हो गया था और 11 बजे खत्म हो गया। 11 बजे तक जी। और अब खबर लखनऊ से है, जहां एक बार फिर बाबा का बुलडोजर चला है। बता दें, प्रशासन ने नगर निगम की 3 करोड़ से अधिक की भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के निर्देशानुसार प्रवर्तन अधिकारी कर्नल सत्येंद्र सिंह के नेतृत्व में संयुक्त अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण को यहां से हटाया गया। तो इंदिरानगर ए ब्लॉक स्थित सीएमएस सभागार में मंगलवार रात आग लग गई। सभागार से धुआं और आग की लपट निकलते देख हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में आसपास के लोग जुट गए। सूचना पर दमकल विभाग की टीम की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक सीएमएस ए ब्लॉक की 3री मंजिल पर बने सभागार से रात करीब 9:30 बजे आग की लपट निकलने लगी थी। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, यूनिवर्सिटी में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र एबीवीपी समेत अन्य छात्र प्रदर्शन में शामिल। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। भीषण गर्मी में नहीं मिल रहे हैं पीने का शुद्ध पानी, यूनिवर्सिटी के शौचालय में लगाया गया है ताला। छात्रों का कहना है, मांगे पूरी न होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर मांगों को लेकर छात्र प्रदर्शन पर उतर आए हैं और यूनिवर्सिटी के छात्रों ने यहां पर प्रदर्शन किया है। लखनऊ में दबंगों द्वारा पिटाई करने के बाद पीड़ित परिवार ठाकुरगंज थाने पहुंचा तो पीड़ित परिवार के साथ दरोगा ने जमकर अभद्रता की और उन्हें थाने से भी भगा दिया, जिसके बाद दरोगा का पीड़ित परिवार के साथ अभद्रता करते हुए वीडियो सामने आया है। बता दें कि आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने पीड़ित की पिटाई की थी। जब पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाने घायल अवस्था में थाने पहुंचा तो उसके साथ अभद्रता की गई। वहीं पीड़ित परिवार ने वीडियो बनाकर पुलिस के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। और अयोध्या के राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष के वकील रहे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जफरयाब जिलानी का बुधवार को लखनऊ में निधन हो गया। जफरयाब जिलानी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उन्होंने लखनऊ के निशांतगंज स्थित हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। देश के जाने माने अधिवक्ता होने के अलावा जफरयाब जिलानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव थे और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक भी थे। इतना ही नहीं, वे यूपी के अपर महाधिवक्ता भी रह चुके हैं। उनके निधन के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी दुख जताया है। और
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मोहतरम जनाब जफरयाब जिलानी साहब, जो कि काफी अरसे से बीमार थे, अली थे, आज लखनऊ में उनका इंतकाल हो गया और उन्होंने एक लंबे अरसे तक बाबरी मस्जिद केस को मुख्तलिफ अदालतों में हाई कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक उसको कंटेस्ट किया और आप बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर भी रहे और उसी के साथ साथ बहुत से तालीमी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुसूसन इस्लामिया कॉलेज मुमताज कॉलेज के आप सेक्रेटरी भी रहते हैं। और बिजनौर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर में लगी आग, आग लगने से मोहल्ले की बिजली हुई गुल। थाना कोतवाली शहर के चक्कर चौराहे का मामला, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर आग लगने की खबर सामने आई है। थाना कोतवाली शहर के चक्कर चौराहे का ये पूरा मामला है। सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर में ये आग लगी है। तो बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं, सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर में लगी आग। तस्वीरें देख सकते हैं बिजनौर के उसी ट्रांसफार्मर की है जिसमें आग लगी है और जिसके बाद बिजली भी काफी देर तक यहां पर बाधित रही। अमरोहा के गजरौला नेशनल हाईवे 9 पर मोटरसाइकिल से दूध बेचकर 65 साल के बुजुर्ग अपने घर जाते समय उनका कार से टक्कर लग गई है। टक्कर लगने से बाइक के सवार वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी और फरार कार चालक की तलाश में जुट गई है। अच्छा, क्या मामला है जो वृद्ध? ये दूध की सप्लाई करते थे, घर पर जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, हाईवे पे दिल्ली रोड पे जाते हुए घर को। अच्छा, किस चीज से एक्सीडेंट हुआ? वो क्या वाहन हाथ में आया, भाग गया, और सीसीटीवी कैमरे में। अच्छा, किस समय का मामला है? 9 बजे के आसपास का है। अच्छा, क्या नाम था इनका? श्री पीटर सिंह। कहाँ के निवासी? कितनी उम्र थी? उम्र इनकी सर 60 साल। क्या काम करते हैं? ये दूध का। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। गोविंदपुरी पुल पर एम्बुलेंस में लगी आग, आग लगने से एम्बुलेंस जलकर खाक हुई है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। हादसे के बाद गोविंदपुरी पुल पर आवागमन ठप। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर एम्बुलेंस में आग लग गई है और आग लगने से एम्बुलेंस पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। खबर कानपुर से है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। गोविंदपुरी पुल पर एम्बुलेंस में आग लगी है और आग लगने से एम्बुलेंस जलकर खाक हो गई। तस्वीरें देख सकते हैं गोविंदपुरी पुल की तस्वीर जहां पर एम्बुलेंस में आग लगी है। किस तरह से यह आग लगी अंदाजा लगा सकते हैं। एम्बुलेंस में जब आग लगी तो उसके बाद यह एम्बुलेंस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। खबर कानपुर से है जहां 2 महीने पहले अनुसूचित जाति छात्रावास में झगड़ा हुआ था। बता दें कि 2 छात्रों के गुटों के बीच विवाद हुआ था। यह विवाद अनुसूचित जाति छात्रावास में अवैध रूप से रह रहे कई बच्चों को लेकर हुआ था, जिसके बाद से समाज कल्याण अधिकारी के आदेश पर हॉस्टल को खाली कराया जा रहा है, जहां मौके पर एसडीएम के साथ समाज कल्याण अधिकारी के साथ काफी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। इरफान के चाचा इश्तियाक सोलंकी पर FIR, सपा विधायक है इरफान, रंगदारी और धमकाने के आरोप में 3 अन्य नामजद। धारा 386-506 के तहत थाना जाजमऊ में दर्ज हुआ मुकदमा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर कानपुर से है, सपा विधायक इरफान के चाचा पर जो है अब शिकायत दर्ज हुई है। रंगदारी और धमकाने के आरोप में 3 अन्यों पर भी शिकायत दर्ज। कानपुर के एक स्कूल का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि स्कूली छात्रों से यूनिफॉर्म में कड़ी धूप में पोस्टर चिपकवाते हुए वीडियो ये वायरल हो रहा है। पढ़ाई के समय स्कूल प्रबंधक स्कूल के प्रचार प्रसार के लिए छात्रों को
पोस्टर लगवा रहा है वीडियो अमौर गांव के सुखदेव मेमोरियल इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है। मामला द्विवेदी नगर गल्ला मंडी स्थित आर्किड हॉस्पिटल का है, जहां आवास विकास हंसपुरम नौबस्ता निवासी अनुज द्विवेदी ने आरोप लगाते हुए बताया कि अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर वो आर्किड हॉस्पिटल में भर्ती कराने पहुंचा, जिसकी डिलीवरी नर्सों द्वारा शुरू कर दी गई। डिलीवरी के दौरान बच्चे कसर फंस गया, जिसकी वजह से उसकी पत्नी काफी पीड़ा में रही और हॉस्पिटल में डॉक्टर की घोर लापरवाही से उसकी पत्नी दो घंटे तड़पती रही। आनंद फानन में ऑपरेशन कर दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया, जहां दो दिन बाद बच्चे की मौत हो गई, जिसकी सूचना लिखित में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को भी सौंपी गई, मगर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं की गई। जी मामला ये है कि 11 फरवरी को हम अपनी पत्नी को सुबह लगभग 10:45 बजे यहाँ डिलीवरी के लिए लेकर के आए थे। हमारा पहला बच्चा था। कहाँ पर लाए थे? आर्किड हॉस्पिटल द्विवेदी नगर गल्ला मंडी। और पहले से हम इनको सारी रिपोर्ट्स, डॉक्टर पवन शर्मा जो लिखते हैं अपने आप को, उनको हम सारी जानकारी और सारी रिपोर्ट्स हम भेजते रहते थे। इस और डॉक्टर शिवानी, डॉक्टर प्रज्ञा वर्मा को हम दिखा रहे थे शिवानी हॉस्पिटल में। तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया था, डॉक्टर पवन जी ने, कि आप हमारे यहाँ डिलीवरी कराइएगा और हम डॉक्टर प्रज्ञा वर्मा को यहाँ पर बुला लेंगे आपके केस के समय। और मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है, तमंचे और पिस्टल के साथ युवकों की फोटो वायरल। फोटो में तमंचे और गोलियों के साथ दिख रहे हैं बदमाश। फलावदा के रहने वाले चमन सिंह का बयान, बदमाशों से जान का खतरा है, कह रहा है चमन सिंह का, बेटे के पीछे जान से मारने की नियत से भागे थे बदमाश। पीड़ित परिवार ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मेरठ से, जहां पर तमंचे और पिस्टल के साथ युवकों के फोटो वायरल हुए हैं। फोटो और तमंचे और गोलियां उनके साथ ये फोटो वायरल हुई है। बदमाशों से जान का खतरा, चमन सिंह ने बताया है, बेटे के पीछे जान से मारने की नियत से हथियार लेकर भागे थे और अब पुलिस के आला अधिकारियों से यहां पर मदद की गुहार लगाई गई। तो मेरठ की तस्वीरें, बदमाशों से जान का खतरा बताया है, बदमाशों का तमंचों और गोलियों के साथ वीडियो और फोटो भी सामने आया है, जिसके बाद फलावदा के रहने वाले चमन सिंह ने जान का खतरा बताते हुए पुलिस के आला अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। ये दो, एक तो निक्की सनोप सीताराम और जी ये राहुल सनोप समेश, ये परसों रात को मेरे घर पर चढ़ के गाली गलौज देकर दहशत की वजह से, मैं अपना जो हूँ तो मेरा बच्चा सो रहे हुए थे, हम सारा परिवार, लड़की भी थी, तो इस वजह से आए थे। तो मेरे लड़के कनपटे पे इन्होंने पट्टे रखे दोनों ने, मेरा लड़का तो से भाग गया जी रुक के मचाता हुआ, और हम लो अपनी बच्ची को, एक हम अपने बच्ची के धोरे रहे। मेरठ के शास्त्री नगर में दंपति की नृशंस हत्या का मामला सामने आया है। इकलौते बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर माता पिता की हत्या की थी। दरअसल शराब पीकर पिता प्रमोद मां की पिटाई करता था, जिसके चलते बेटे ने कत्ल से पहले पिता को मैंगो शेक में नींद की गोली मिलाकर प्रमोद को पिला दी, और जब हत्या करने लगा तो उसकी मां जग गई, तो मां का भी उसने कत्ल कर दिया। हत्याकांड को अंजाम देकर आर्यन नाम का ये युवक गुरुग्राम चला गया। फिलहाल पुलिस ने आर्यन और उसके दोस्त आदित्य को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि प्रमोद गाजियाबाद की सरिया फैक्ट्री में काम करता था और उसकी पत्नी निजी स्कूल में शिक्षिका के पद पर तैनात थी।
थाना नौचंदी के अंतर्गत एक दंपत्ति जो अपने दो मंजिला मकान है उसमें ऊपर एक कमरा था वहां पे निवास करते थे, उनकी हत्या जो है कल रात्रि में कर दी गई थी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस की तरफ से जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई और अन्य कार्रवाइयां संपादित की गई थी, जिसमें मृतक के परिजनों की तहरीर पर अज्ञात के ऊपर हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस पूरे प्रकरण में पुलिस द्वारा जो विवेचना की गई, सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए गए और अन्य चीजें की गई, उसके आधार पर जो मृतक हैं उनका ही बेटा जो आर्यन है और उसका एक साथी आदित्य है, इन दोनों का नाम इस हत्या में प्रकाश में आया है। और जो अभियुक्त हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि उनका जो पहले जो इरादा था वो केवल जो उनका जो पिता है उसको मारने का था, लेकिन क्योंकि वो उनकी जो माता है वो उस दौरान हत्या के दौरान जग गई थी। निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद अब नेताओं की असलियत सामने आने लगी है और चुनाव के दौरान सपा में चली अंदरूनी कलह अब जो है खुलकर सामने आ रही है। शहर विधायक रफीक अंसारी और पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर का निर्दलीय प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। नगर निगम मेरठ के वार्ड 77 के निर्दलीय प्रत्याशी के लिए सपाई वोट मांग रहे थे और वीडियो में पूर्व मंत्री और विधायक शाहिद मंजूर मंच से पार्टी आला कमान को लेकर नाराजगी भी जता रहे हैं। बता दें कि अखिलेश के रोड शो में भी अंदरूनी कलह खुलकर सामने आई थी। तीसरे नंबर पर रही सपा की महापौर प्रत्याशी सीमा प्रधान पर अब सवाल उठता है कि क्या पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं पर कार्रवाई होगी। तो वही एनआईए ने दिल्ली, यूपी, पंजाब से राजस्थान तक देश भर में 122 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी गैंगस्टर खालिस्तानी टेरर नेटवर्क से जुड़े लोगों पर की गई। बताया जा रहा है कि एनआईए ने ये छापेमारी लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड, नीरज बवाना समेत दर्जन भर गैंगस्टर के करीबियों पर की है। बताया जा रहा है कि दिल्ली और एनसीआर समेत हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, एमपी में 122 ठिकानों पर यह छापेमारी की। तो वहीं ये छापेमारी आतंक, ड्रग्स के तस्करों, गैंगस्टरों से साठगांठ के मामले में की गई है। मामला जनपद पीलीभीत के थाना बिलसंडा इलाके का है, जहां पर करेली चौकी क्षेत्र में पड़ने वाले भूड़ा कस्टुआ गांव में रहने वाली अंजलि मिश्रा का कहना है कि बीते साल 8 मई को उसकी शादी जनपद शाहजहांपुर के पुवाया क्षेत्र के रहने वाले सौरभ के साथ हुई थी। पीड़िता का कहना है कि उसके पिता ने हैसियत के मुताबिक 25 लाख रुपए की उसकी शादी कराई थी और शादी के बाद से लगातार ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज में वैगनार कार, 5 लाख की नकदी और सोने का कड़ा, इन सब चीजों की मांग करते आ रहे थे, जिसके चलते पीड़िता को मारपीट भी की गई और घर से निकाल दिया गया। आरोप है कि पीड़िता के मायके में पति सहित ससुराल वाले आ गए और उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाने लगे, जिसके चलते मारपीट की गई और जान से मारने की नियत से गर्दन दबा दी गई। चीख पुकार होने पर ससुराल वाले फरार हो गए। तो वहीं पीड़िता की तहरीर पर अब पुलिस ने पति समेत 5 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हमारे हमने मामला दर्ज कराया है। हमारे साथ हमारी 8 जुलाई को शादी शाहजहांपुर जिला के पुआए में हुई थी। सौरभ के साथ हमारी शादी हुई थी। हमारे ससुराल वाले हमारी शादी में हमारे मम्मी पापा ने 25 लाख रुपए खर्च किए थे अपनी क्षमता के अनुसार। फिर भी हमारे ससुराल वाले 25 लाख रुपए से संतुष्ट नहीं थे। वो हमारे साथ मारपीट करते, झगड़ा करते, खूब काफ़ी हमें प्रताड़ित करते। वो कहते कि 5 से 6 लाख रुपए दो, एक सोने का कड़ा और वैगनार कार। पीलीभीत में एक चौकी इंचार्ज जानलेवा चाइनीज मांझी की चपेट में आ गया, जिससे गंभीर रूप से वो घायल हो गया। चौकी इंचार्ज को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चेहरे पर उसके 36 टांके आए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सुनगढ़ी थाने से विभागीय काम का निस्तारण कर वापस लौट रहे असम चौकी इंचार्ज
कमलेश कुमार चाइनीज मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा नौगवा ओवरब्रिज पर हुआ। इसकी सूचना मिलने पर थाना और चौकी से पहुंचे पुलिसकर्मियों ने घायल चौकी इंचार्ज को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चौकी इंचार्ज कमलेश को 36 टांके आए हैं। यूपी के सीतापुर में लहरपुर बिस्वा मार्ग पर तालगांव थाना क्षेत्र में गन्ना लदा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया, जिससे सड़क किनारे मौजूद 3 किशोरियों समेत 4 लोग ट्रक के नीचे दब गए। एक किशोरी को मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से ट्रक को सीधा कराया और गन्ने को हटवाने की कवायद में लग गए। बता दें कि देर रात एक ट्रक गन्ना लादकर बिस्वा चीनी मिल जा रहा था, तो वहीं लहरपुर बिस्वा मार्ग पर नयामुपुर मोड़ के पास ट्रक अनियंत्रित हो गया और पलट गया। इसके कारण गन्ना भी सड़क पर फैल गया और सड़क किनारे खड़े होकर मुफीदा शहनाज हसीना और एक अन्य किशोरी आपस में बात कर रही थी। ट्रक पलटने और गन्ना फैलने की जद में ये चारों आ गई। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ग्रामीणों और जेसीबी की मदद से ट्रक सीधा कराया। तब तक मुफीदा की मौत हो चुकी थी। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता जफरयाब जिलानी का निधन। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव थे जिलानी। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बीते संयोजक यूपी के अपर महाधिवक्ता रह चुके हैं जिलानी। लंबे समय से बीमार चल रहे थे जफरयाब जिलानी। जिलानी के इंतकाल के बाद रवाना हुए अखिलेश यादव। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से है, वरिष्ठ अधिवक्ता जफरयाब जिलानी का निधन हो गया है। जिलानी के इंतकाल के बाद अब अखिलेश यादव वहां रवाना हो चुके। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक भी थे और अब यूपी के अपर महाधिवक्ता रह चुके हैं जफरयाब जिलानी। लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मोहतरम जनाब जफरयाब जिलानी साहब, जो कि काफी अरसे से बीमार थे, अली थे, आज लखनऊ में उनका इंतकाल हो गया। और उन्होंने एक लंबे अरसे तक बाबरी मस्जिद केस को मुख्तलिफ अदालतों में हाईकोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक उसको कंटेस्ट किया। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।